पे किसान आंदोलन हो रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी। और कई लोगों ने यह भी कहा कि वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी से इसका मन भर गया इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह में इतना साहस और इतना हौसला था कि मैंने खुलेआम ये कहा कि वीरेंद्र सिंह इन मेहनत कश किसानों के साथ खड़ा है और कोई राजनीतिक दल, मैंने कहा दुनिया में बता दो, देश की तो बात छोड़ो, कोई राजनीतिक दल क्योंकि जाके इन किसानों ने मारूंगा मैं, कोई नहीं कह सकता। और मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पार्टी में लड़ूंगा और किसान की लड़ाई लड़ूंगा। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था जो पहली बात मैंने बताई कि समाज मेरा ना टूट जाए, आपस का विश्वास खत्म ना हो जाए, लोगों में दीवार में खड़ी हो जाए आपस में। और यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। क्यों पंडित जी, आप मानते हो इस बात को? अगर इस संस्कृति को हम खत्म कर देंगे, हम अपने चाचा को चाचा नहीं कहेंगे, हम अपनी ताई को ताई नहीं कहेंगे, किसी भी जाति से है वो, तो मां बाप को जाएगी मां बाप। तो ये साहस हमारे लोगों में, और कुछ तो हमें सीखना भी चाहिए। देखो हमारे सिख भाई आए पंजाब से, एक साल के अंदर अंदर एक भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि ये कह के इसने बड़े बड़े बोला है, फलाने को गाल दे दी, मां बहन की कर दी, फलाना कर दिया। इस आंदोलन से हरियाणा के भाइयों को, नौजवान बच्चों को ये सीखना चाहिए कि एक साल तक दिल्ली के सिखों ने लंगर चलाए। हमें भी ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई। और मैं तो आपको ना राजनीति से संन्यास, संन्यास की बात नहीं, कई चीजें ऐसी हैं जो करने की हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम ये शिक्षा दें, हम ये सिखाएं कि जब सिखों के गुरुद्वारे में लंगर चल सकते, कोई आओ कोई खाओ, क्या हम अपने इलाके में सारे 36 बिरादरी मिलके ये बात नहीं कर सकते? जिस दिन ये कर लेंगे भाईचारा उतना ही मजबूत हो जाएगा। ये है चीजें करने की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि राजनीति को आपको राजनीति के हिसाब से देखना पड़ेगा। हम जो लड़ाई है, ये लड़ाई हकों की लड़ाई, तो रुपये की लड़ाई। तो उस किसान से पूछा कि 5 सितारा होटल में जो कॉफी का कप एक कप है वो 200 रुपए का है, उसमें तेरा कितना सील है? तो उन्होंने बोला जी मैंने तो क्या बेरा, हम तो बेचने का 50वां लगाओ, 50वां हिस्सा। तो ये गरीबी तो रहेगी, चाहे एमएसपी की बात कर लो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात कर लो, लेकिन किसान को, कमेरे वर्ग को, इसके खेत में जो काम करने वाला है उसको जब तक इसका पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, अभी की बात है, कल की परसों की, ये इतर हुआ ना, इतर इतर तो जानते हो, सेंट तो अंग्रेज नाम है इतर। और ये जब तक नहीं बदलेगा, आप पे न्यू लोग काबू करते रहे।
राजनीति है ये। एक बार मौका मिल जाए करोड़ों करोड़ों रुपए के मालिक हो जाते हैं, फिर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाओ, कोई चीफ मिनिस्टर कैसे है, कई दोबारा बना नौकरी, वो रिटायर भी हो गई, कई मर भी लिए, लेकिन मैं आपको देता हूं और फिर भी 50 साल और फिर भी तब लोग लगे रहे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई इस देश की धन दौलत, इस देश की माया, इस देश की संपत्ति में हर आदमी को ये लगे कि मेरा भी हिस्सा है, तब तो हम ये कहेंगे कि हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लोगों का राज है। लेकिन अगर इधर वालों पे कैसे रहे, इधर आ रहे तो पकड़े गए, ये दारू के ठेकेदार हैं, जिनको घाटा है जी। हाँ, एक मेरे मिलने वाले थे, कोरोना आया ना तो पंजाब हरियाणा के सारे ठेके कभी उनसे होते थे, टेलीफोन आया कि दो भाई थे, 5 भाई हैं, वो अल्दी दो पड़ गए कोरोना में, और एक दिन बैठ के आ रहा है, मैं चलो परसों चलेंगे, तो परसों चलने तैयार हुआ तो फिर खबर आई को तीसरा भी मर गया। यानी पैसा, कभी ये ना सोचो कि पैसा आ गया तो सब कुछ हो जाएगा, ये अपने देखो, मैं वैसे क्या है, हम तो बांगर वाले, ये जो नकल मारने वाले, ये पेपर लीक करने के, ये सारी की खान बुरे खुद रही है ये, यानी ईमानदारी से ये बात मैं आज आपको कह के जाता हूं, इन चीजों से कभी भला नहीं हो सकता, ये चीजें हमें पीछे ले जाएंगी। देखो लैब बना रखी है, एक लैब तो जम्मू में, एक मोदी जी जहां से एमपी हैं, बनारस में, अरे बंदा मारे आड़ा ने तो मैं नौकरी पर ला दिया कोई, और यमुना नगर बदली करा दी तो ओड़े तो ये जाओगा किस तरह, बता और आंगली पकड़ के ले जाएगा, लेकिन लैब ओड़े तक बना ली तो ऐसा मत करो, नौजवान पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, इस चीज के खिलाफ भी हमारे को लड़ाई लड़ने पड़ेगी कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, जहां शिक्षा की कमी है उसके लिए लड़ाई लड़ो, अच्छे मास्टर हो, अच्छे प्रोफेसर हो, तब हम अपने इलाके की तरक्की कर सकते हैं, ना तो वह चोर डकैत तो हर जगह हो रहा है, पहला चोरी बंदूखा से करा करते, पेपर लीक करके, और भी उतने ही है। एक आदमी बोला जी वो तेरे दो आया था, उसका छोरा पकड़ा गया, तने उस पर गौर नहीं करी, तो रूस रहा, मगा यही राजनीति में कमी है, कि राजनेता पाप को भी, ये कहते कोई बात नहीं, पाप करना और उस पाप को देखते रहो, कहां की राजनीति है। तो भाई दोष हमारे में है कहीं ना कहीं, हम कहीं दोषी हैं, इसलिए कि पिछले चुनाव में सुन लिया कि आया सीएम, प्रोपेगेंडा करने वाले कौन है, जो इस तरह के पेपर लीक, मौज हो जाएगी, हाँ दारू वाले ठेकेदार गांव में ईंट लागो नाला को ठेका इसको ही देना है, ये सारी बीमारियां हो सकता है 100, 200, 500 आदमी को फायदा हो, लेकिन 5 लाख आदमियों को नुकसान भी तब होता है जब इस तरह की बात आती है। इसलिए राजनीति को चलाना बड़ा औखा काम है, लेकिन आपने मुझे ताकत दी है, मेरे मन में ये बात है, और मैं
आपको एक बात कहता हूं कि वीरेंद्र सिंह एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछ लिया किसी ने कि जी आप रिटायर हो गए तो वाजपेयी जी अंग्रेजी में है ये वाजपेयी जी कहने लगे आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। अगर रिटायर तो हो गया लेकिन मैं थका हुआ नहीं, मैं आज भी थका नहीं हूं। ये वाजपेयी जी ने कहा अगर मैं भी वही कह रहा हूं किसी की किसी का इंतजाम करना हुआ करते थे। और ये भी बता दूं आपको कि मेरे साथियों ने कहा था और मैं ये पड़ोसी नारायण जी भी बोल रहे थे कि हम आपका 25 मार्च को मेरा जन्मदिन है, 76 साल का हो चुका मैं, और उस दिन हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम आज तो आप अचानक अचानक आए हो, उस दिन मैं अपने हरियाणा के सब साथियों को बुलाऊंगा। आपको याद हो जिस दिन मैंने कांग्रेस से बीजेपी में आया था उस दिन मैंने ये कहा था कि 17,000 मेरे साथी आज बीजेपी में आए हैं और मैं इस ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये बात कहता हूं कि किसी साथी ने यूं भी नहीं पूछा यूं क्यों करो जी। ये मेरा और आपका मेरा जो संबंध है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो उसकी उपज है ये। ना तो नेता पे तो हर आदमी सवाल उठाता है कि बीजेपी ने तो मुसलमान तो वोट नहीं देते, किसी मेरे मुसलमान साथी ने ये नहीं कहा, वो कह रहे हम तो वीरेंद्र सिंह के साथ है, ठीक है। तो ये विश्वास हम हरियाणा के सारे साथियों को उस दिन इकट्ठा करेंगे और एक सम्मेलन करेंगे, और सम्मेलन ऐसा करेंगे जिसमें राजनीति में जो युवा पीढ़ी है उसकी जो सोच है वो आज की युवा पीढ़ी की ये सोच नहीं जो हमारी उम्र वाले या हमारे से पहले वाले थे। आज की तो जो गए अथेड़ी पे जमा दे तो जमाना है नाम तो वो अथेड़ी पे कैसे जमे, कैसे लोगों के दुख निवारण हो, कैसे समस्याओं का समाधान हो, ये बातें मेरे मन में घूमती हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि जैसे किसान धरती थोड़ी थोड़ी रही है, कई तो बताते भी नहीं क्योंकि बता जो कि रहे नहीं, आधे किले तक भी बता दे आधे तक भी तड़े जा लिया तो फिर क्या बताओगे। मैं ये सोचता हूं कि कभी ऐसी सोच पैदा हो इस देश में, ये जितना बड़ा देश है ना, इस देश में सिर्फ 38% धरती पर खेती होती है, सिर्फ 38%, और 12% पे ये घर है, मकान है, फैक्ट्री है, सड़क है, पार्क है, 38 है 12 50, और 50% ऐसे है जो इधर खाली पड़ी है। अगर दाल लग जाए तो हम, आपको याद है एक बार 1962 में जब चीन से हमारी लड़ाई हुई थी उस टाइम जो भी फौजी बहादुरी से शहीद हुए या जिन्हें बहादुरी के इनाम मिले उनको मध्य प्रदेश के अंदर 6-6 एकड़ जमीन दी गई थी। मैं ये सोचता हूं कि कभी ऐसा वक्त भी आए कि हम 5 साल के अंदर कम से कम अपने 5 लाख साथियों को इस तरह बढ़ा दें जो इतने खेती करनी है तो आगे आगे और पेपर लीक करना तो नहीं होगा, ऐसी बढ़ सकती है ये युवा धरती जिसमें ये कुछ नहीं होता, हरियाणा सरकार उसको खरीदे और वहां किसानों को भेज दे। मैं तो छत्तीसगढ़ में जाता हूं कई बार, ईमानदारी की बात है, वहां का जो किसान है
अपने बहुत सारे हैं। तो वहां के आदमी कहते हैं चौधरी साहब हरियाणा वाले ने आगे भारत में खेती करने सिखा दी, और वहां ही गुजरात के भी आने लग रहे हैं, गुजरातियों के लिए जो कहेंगे इनने खेती में कमाना सिखा दिया, क्योंकि उनका तो अमरूद भी एक किलो का गुजरातियों का अपना दौड़ दौड़ है और अपने को बनाता नहीं, यूं बो दो यूं काट के वो बो दो धीरी बो दो। तो ये एक सोच का हिस्सा बताता हूं कि जो खेती करने वाला किसान है उसको आज खेती में मजा इसलिए नहीं आता कि धरती नहीं है, और जिसने जी करे खेती करने का वो गांव में ढूंढता फिर 30-40 किले को ये बातें बचे दे क्या बोलते हैं उसको ठेके में, ठेके वाला का ऐसा जुलम है हर साल 2000 तो बताने पड़ेंगे, फसल तो डूबी पड़ी है 2000 बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनके बारे में हम 25 तारीख को करेंगे, और ये करेंगे मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, जो आपके मन में बात है ना आपने तो मेरा तो पूरा साथ दिया, ही भी कहेंगे वीरेंद्र तो ओ भाई तो ये बात कहते हैं वो आके देख लियो ना कितने बार ला देंगे, वही तो ढूंढ के लाते ओम प्रकाश चौटाला जी को लेके आओ वीरेंद्र सिंह को हराने के लिए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसी शक्ति के रूप में हम चाहते थे कि इस इलाके के अंदर वो विकास हो, वो लोगों की सोच बने जिसका कोई सानी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बातें आती हैं। मैं ईमानदारी से आपको एक बात कहता हूं, अगले साल 26 जनवरी को हम एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग रैली, और ऐसी करेंगे कि कहीं भी पिंडी खा पे फिर तब सोच लिए जो तब कह रहे थे वह बात होगी, सारी बात को आई नहीं जाती। हाँ, और ये ताकत लोगों की है, और ये सबसे बड़ी ताकत, फिर इतराले में आ जाएंगे अपने जोड़े।